सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल सिम्प्लीफाइड क्लासेस मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास सेवन साइंस का फिफ्थ चैप्टर डैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक करके बच्चों इस चैप्टर में हम देखेंगे एसिड्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिस एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांस सच एज लेमन टैमरिट कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एंड विनेगर हम इसको क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं डू दे हैव द सेम टेस्ट क्या इनके पास सेम टेस्ट है लेट एस रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम ईडेबल सब्सटांसिसबल फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन में कुछ सबस्टांसिस दे रखे है और आपको उसका टेस्ट बताना है इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दब्स्टांसेस टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल फाइव पॉइंट वन अगर इनमें से आपको किसी के टेस्ट कोई सब्सटेंसेस के टेस्ट नहीं पता है तो टेस्ट करके आप इसमें मेंशन करिए कॉजन क्या दे रखा है डू नॉट टेस्ट एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू जो आपको नहीं बोला गया करने के लिए उसे नहीं करना है एंड सेकेंड डो नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू सो और किसी चीज़ को टच भी नहीं करना है तो इनके टेस्ट हम पहले देख लेते हैं क्या है यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए मैंने दे दिया है लेमन जूस आपका सॉवर होता है ऑरेंज जूस सॉवर विनेगर सॉर है कर्ड सॉवर टैमरिन सॉर शुगर क्या है स्वीट है कॉमन सॉल्ट सॉल्टी है आंवला सॉवर है बेकिंग सोडा बिटर है ग्रेप्स आपका सॉवर है और अनराइप मैंगो सॉवरन टेस्ट है तो समझ में गया इन सब में कितने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपको दिख रहे हैं सो चलते हैं हम तो बारह से फर्स्ट पेज पे हाँ जी तो हमने देख लिया फिर कह रहा है यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस कुछ क्या है सॉवर है कुछ बिटर है और कुछ क्या है स्वीट है और कुछ सॉल्टी है तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस दे रखे तो आपने कैसे पता किया सबके टेस्ट सबको टेस्ट कर कर के देखा और फाइंड आउट किया कि कौन सा सॉवर है बिटर है या फिर सॉल्टी है ओके बच्चों नेक्स्ट इज़ फाइव पॉइंट वन बेस के बारे में कर्ड लेमन जूस ऑरेंज जूस एंड द विनेगर टेस्ट सॉवर तो ये सब कैसा है इनका टेस्ट क्या सॉवर है खट्टा है दबस्टांसिस टेस्ट सॉवर बिकॉज दे कंटेन द एसिड्स तो ये खट्टे क्यों है बिकॉज इनमें क्या प्रेजेंट है एसिड्स प्रेजेंट है द केमिकल नेचर ऑफ द सबस्टांसिस इज एसिडिक तो इनका केमिकल नेचर कैसा है एसिडिक है द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स अ सॉवर तो लैटिन वर्ड कहाँ से आ रहा है एक्रे से आ रहा है जिसका मतलब क्या होता है सॉवर मीन्स खट्टा होता है द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स तो ये सारे क्या हो गए नेचुरल एसिड्स है क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट है नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या है डज इट टेस्ट सॉवर क्या ये इसका भी टेस्ट सॉवर होता है इफ़ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट अगर इसका टेस्ट बेकिंग सोडा का टेस्ट सॉवर नहीं है तो इसका टेस्ट क्या है सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉवर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट अगर वो सॉवर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों उसमें एसिड्स नहीं है इट इज़ बिटर इन टेस्ट तो इसका टेस्ट कैसा है बिटर है इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन द फिंगर्स इट विल फील सोपी अगर आप उसको फिंगर्स के बीच में लेके रब करोगे तो आपको कैसा दिखेगा सोपी फील होगा आपको जनरली द सब्स्टांसिस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टच इज़ नोन एज बेसिस तो ये क्या होता है बेस होता है जो क्या होता है बिटर होता है और टच करने पे सोपी नेचर फील होगा तो ये क्या होता है बेस होता है द नेचर ऑफ सच सब्स्टांसिज इज सेट टू बी बेसिक तो इनका नेचर कैसा हो गया बेसिक तो यहाँ पे समझ आ रहा है एसिडिक नेचर और यहाँ बेसिक नेचर में डिफरेंस क्या है दोनों नेक्स्ट इज इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्स्टांसिस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर अगर क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे चीज़ को आपको टेस्ट करके नहीं बताना है तो कैसे पता लगेगा उसका नेचर कैसा है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटांसिस आई यूज टू टेस्ट वेदर द सब्स्टांसिस एसिडिक और बेसिक तो सब्सटांसिस कौन से सबस्टांसिज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं दीज सबस्टांसिस आर नोन एज इंडिकेटर जिससे आप पता लगाते हो कि कोई सब्सटांसिस क्या है एसिडिक है या बेसिक है या उसका नेचर कैसा है तो उसको फाइंड आउट किससे करते हैं हम इंडिकेटर से फाइंड आउट करते हैं द इंडिकेटर्स चेंज द कलर वेन एडेड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग एंड एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस तो इंडिकेटर क्या करता है अपना कलर चेंज करके बताता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एसिडिक है या बेसिक है टर्मरिक लिटमस एंड चाइना रोज पेटल्स एक्से्ट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स तो अगर आपसे पूछेगा कि नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर क्या है क्या बताएं बताएंगे आप टर्मरिक बताएंगे लिटमस बताएंगे चाइना रोज के पेटल्स बताएँगे यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so कंटिन्यू करेंगे हम आगे यहाँ पे आपको डू यू नो में दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं यहाँ है नेम ऑफ द एसिड एंड ये फाउंड इन कहाँ तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं तो पहला है बच्चों एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट है विनेगर में प्रेजेंट है सेकेंड इज फॉर्मिक एसिड किस में ये एंड के स्टिंग में थर्ड इज साइट्रिक एसिड जो कि साइट्रस फ्रूट एज ऑरेंज एंड लेमन में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड बहुत कॉमन है कर्ड में प्रेजेंट है ऑग्जालिक एसिड स्पिनच में एसकॉर्बिक एसिड दैट इज वाइटामिन सी ये किस में प्रजेंट है आमला या फिर साइट्रस फ्रूट में प्रेजेंट है टार्ट्रिक एसिड आपके या तो टैमरिन में ग्रेप्स में अनराइप मैंगो एक्सेट्रा समझ में आ गया ये आपके नेम ऑफ द एसिड्स और ये कहाँ प्रेजेंट है यह भी आपको दे रखा है ऑल द एसिड्स मैंशन एबव ऑकर इन नेचर तो ये सारे एसिड जो यहाँ दे रखे ये सब क्या है नेचुरली ऑकरिंग है ये नेचर में प्रेजेंट है ओके okay, बच्चों नाव नेम ऑफ़ द बेस अब बेस के बारे में और फाउंड इन ये बेस कहाँ प्रेजेंट है हमने एसिड के बारे में देख लिया अब हम बेस के बारे में देखेंगे पहला बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है देन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में प्रेजेंट होता है एंड द लास्ट वन इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रजेंट होता है तो ये डू यू नो फैक्ट में आपको पता लग गया इस चीज़ को एटलीस्ट समझ में आ गया कि कौन सा एसिड कहाँ प्रेजेंट है ओके okay बच्चों एंड कौन सा बेस किस में प्रेजेंट है नेक्स्ट इज कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड दट टेस्ट ये बूझो कह रही है कि क्या मैं सब सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके पता कर सकता हूँ कि उसका नेचर कैसा है और उसका टेस्ट कैसा है तो पहली बोलती है नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन क्या आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस दे कुड हार मस तो जो अननोन सब्सटेंसेस है हमें उसको टेस्ट नहीं करना है सो so डैट की नेचर जान सके ओके okay बच्चों तो फाइव पॉइंट टू क्या दे रखा है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस हमारे आसपास नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमने फर्स्ट पेज पे देख लिया है अब हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे फर्स्ट इज़ लिटमस अ नेचुरल डाई पहला क्या हो गया लिटमस ये क्या है एक नेचुरल डाई है द मोस्ट कॉमन यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस तो मोस्ट कॉमन क्या हो गया लिटमस है ये जो नेचुरल इंडिकेटर जो यूज करते हैं डेट इज़ लिटमस इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन ये किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से लेते लाइकेन से लेते हैं फिगर फाइव पॉइंट वन ए ये देखिए ये लाइकेन प्लांट से लेते हैं इट हैज़ मोव पर्पल कलर इन अ डिस्टिल वाटर डिस्टल वाटर में उसका कलर क्या होता है मोव कलर होता है वेन एडिड टू द एसडिक सोल्यूशन इट टर्नस रेड जब आप एसडिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा इट टर्स रेड एंड एडिड टू द बेसिक सोल्यूशन इट वर्न ब्लू और जब बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन ये क्या है सोल्यूशन के फॉर्म में प्रजेंट होता है या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ द पेपर नोन एज लिटमस पेपर अगर वो स्ट्रिप्स ऑफ द पेपर अगर ऐसा प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे लिटमस पेपर बोलेंगे जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर ज़्यादातर ये कैसे प्रेजेंट होता है रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर यहाँ देखिए फिगर दे रखा है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर तो इसको जानने के लिए डिफरेंस दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिज एंड बेस तो इस चीज़ को या फिर अगर आपको ये पूछ ले डिफरेंस पूछ ले दोनों के बीच में या प्रॉपर्टीज पूछ ले तो ये डिफरेंस को याद रखना है पहला क्या है बच्चों एसिड का टेस्ट कैसा है सॉवर होता है इसका पीएच क्या होता है लेस देन सेवन होता है फाइन और क्या करता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड ये चीज़ को बिल्कुल याद कर लेना है बिकॉज़ आगे, 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 आगे आप पढ़ेंगे एक्टिविटी आएगी आपको ध्यान रखना है कि एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है ओके नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रलाइज द बेस इज प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर उस चीज़ को क्या करता है न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एंड नेक्स्ट इज एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट एसिड्स क्या है इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं एंड द लास्ट वन इज एसिड्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स एसिड क्या करता है एक्टिव मेटल्स से रिएक्ट करने में हेल्प करता है नाउ इज बेस के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहला क्या है बिटर इन टेस्ट है ऐसे सॉवरन टेस्ट है तो ये बिटर इन टेस्ट है बेस क्या हो गया पी एच ग्रेटर देन सेवन ओके इसका क्या था एसिड का लेस देन सेवन है नेक्स्ट इज टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्ल्यू क्या करता है बेस रेड लिटमस पेपर को ब्ल्यू में टर्न करता है नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइज एसिड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर और बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट एंड बेसिस आर स्लिपरी तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है बट एक पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है जो है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू ओके बच्चों ये मैं आपको बार बार इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आगे क्या है इसके बारे में एक्टिविटी दे रखी है जो कि आपको खुद परफॉर्म करनी है अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो ठीक है बच्चों तो इसके आगे का हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में